बॉलीवुड जहां कई नए एक्टर एक्ट्रेस रोज आते हैं और रोज जाते हैं। यहां किसकी किस्मत कब चमक जाए और किसके सितारे कब गर्दिश में चले जाए ये कोई नहीं जानता। आज इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही अच्छे और जाने माने बॉलीवुड सितारों के बारे में जिन्हें किसी वजह से फिल्मों में काम नहीं होने की वजह से या फिर फिल्मों में सफलता नहीं मिलने की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री से किनारा कर लिया और अपना कुछ नया बिजनेस या किसी नए क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया। तो आइए जानते हैं इन सितारों के बारे में। फरदीन खान। फरदीन खान की पहली फिल्म प्रेम अगन के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, फिर दुर्भाग्य से उनका बॉलीवुड करियर ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया था। वैसे तो इन्होंने अपनी हिट फिल्म करने के बाद कई बड़े सितारों के साथ काम किया, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी खुद की हासिल की गई अचीवमेंट को क्रॉस नहीं कर पाए। उनके पिता फिरोज खान अपने समय के एक बेहतरीन एक्टर थे। फरदीन उनके बेटे होने के बावजूद एक बिलो एवरेज एक्टर बनकर रह गए। यही कारण है कि उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को छोड़कर फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और उसी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि 12 साल के बाद उन्होंने वापसी करने का सोचा तो है, लेकिन ये बात अभी खबरों तक ही सीमित है। उदय चोपड़ा। धूम, धूम 3, मोहब्बतें जैसी सफल फिल्मों को करने के बाद भी ये बॉलीवुड में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। इसके बाद इन्होंने हॉलीवुड में भी 2 फिल्में की और उसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिले, लेकिन इन सब के बावजूद भी बॉलीवुड में बहुत अच्छा नाम नहीं बना पाए। बॉलीवुड के नामी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बेटे और आदित्य चोपड़ा के भाई होने के बाद भी उन्हें उस हिसाब से उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई जैसे उनके पिता को मिले। बॉलीवुड में करियर बनाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए इन्होंने एक्टिंग को छोड़ अपना करियर किसी और फील्ड में बनाने का सोचा और अपना खुद का एक बिजनेस शुरू किया। इसके साथ ही यश राज फिल्म्स के CEO भी बन गए। इनकी अपनी कंपनी का नाम योमिक्स, जो कि यश राज फिल्म के अंडर आने वाली कॉमिक फिल्मों को प्रोड्यूस करने की कंपनी है। आजकल उदय चोपड़ा अपनी एक्टिंग करियर को छोड़कर अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। साहिल खान। साहिल खान की पहली फिल्म स्टाइल, जो कि काफ़ी अच्छी चली। इस फिल्म के बाद साहिल खान काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए हैं और उन्हें स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज पर शाहरुख खान और सलमान खान के साथ फीचर किया गया था, लेकिन फिल्में न मिलने के कारण इन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली और अपना करियर यहां छोड़कर कुछ नया शुरू करने का सोचा। आजकल इन्होंने अपना जिम और फिटनेस करियर को काफ़ी आगे बढ़ा लिया। यही नहीं, आजकल लाखों लोग सोशल मीडिया पर इन्हें फॉलो भी करते हैं। रजत बेदी। रजत बेदी ने कई अच्छी फिल्मों में नेगेटिव किरदार में नजर आए। उनकी अच्छी फिल्मों में कोई मिल गया और बॉर्डर जैसी कई फिल्में की हैं, लेकिन अपनी कोशिश के बाद भी वो बॉलीवुड में अधिक समय तक टिक नहीं पाए और बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला ले लिया। बॉलीवुड को छोड़ने के बाद एक कनाडा चले गए और वहाँ अपना बिजनेस शुरू किया। अब कनाडा में रहकर रजत बेदी अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। अध्ययन सुमन। इन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में हाले दिल फिल्म से कदम रखा था, लेकिन लोग इन्हें 2009 के राज 2 फिल्म के बाद पहचानने लगे। बड़े बड़े सितारे और डायरेक्टर की फिल्म होने के बाद भी इस बात ने अध्ययन के करियर को कुछ खास मदद नहीं की, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने कई फिल्में की और वो लगातार फ्लॉप होती गई। शेखर सुमन के बेटे होने के बावजूद भी इस बात का कोई भी फायदा अध्ययन को नहीं मिला। इन्होंने अपनी आखिरी फिल्म 2014 में हार्टलेस दी थी। ये फिल्म अपने 11 करोड़ के बजट के सामने कुछ 1,40,00,000 रुपए ही कमा पाई। तब इन्हें ये समझ आ गया कि बॉलीवुड में उनका अच्छा करियर नहीं है, इसलिए आज के लिए अपना करियर को आगे बढ़ाने के लिए म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना कला का प्रदर्शन करने की ठानी है और आजकल उसी फिल्म में काम कर रहे हैं। उर्वशी रौतेला। हिट स्टोरी 4, सनम रे, ग्रेट ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अपना करियर बनाने वाली उर्वशी रौतेला बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर में बहुत अधिक नहीं टिक पाई। हालांकि इन्होंने बॉलीवुड को छोड़ा, लेकिन कैमरा और ग्लैमर के बीच तो वो आज भी रहती हैं। अपनी काबिलियत और सुंदरता से भी सभी का मन मोह लेती हैं। उर्वशी आजकल एक्टिंग की दुनिया को छोड़कर मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं और अपनी मेहनत से यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध भी हो रही हैं। आज शायद ही कोई ऐसा होगा जो उर्वशी को नहीं जानता होगा। जायद खान। वैसे तो जायद खान को मैं हूं ना फिल्म में शाहरुख खान के छोटे भाई लक्की के तौर पर जानते हैं, लेकिन बॉलीवुड में अपना नाम बनाने के मामले में जायद बिल्कुल भी लक्की नहीं रहे हैं। मैं हूं ना फिल्म के सक्सेस के बाद जायद खान को कई फिल्म ऑफर हुए, लेकिन इन फिल्मों ने कुछ धमाल नहीं किया। इसकी वजह से एक्टर जायद खान का बॉलीवुड में करियर खत्म होता नजर आया।
इसके बाद इन्होंने एक्टिंग छोड़कर कुछ नया शुरू करने का सोचा और 2011 में बोर्न फ्री एंटरटेनमेंट नाम की प्रोडक्शन हाउस शुरू कर प्रोडक्शन में अपना लक ट्राई किया, लेकिन यहाँ भी वो कुछ खास नहीं चल पाए। इसके साथ ही फिलहाल ये सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। ट्विंकल खन्ना ने कई बेहतरीन फिल्में की हैं, लेकिन एक समय के बाद में उनका बॉलीवुड में दबदबा थोड़ा कम हो गया। उनकी आखिरी फिल्म लव के लिए कुछ भी करेगा थी, जो 2001 में आई थी। इसके बाद इन्होंने फिल्मी करियर को छोड़ दिया और एक प्रोड्यूसर के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनके प्रोडक्शन में फिल्म पैडमैन प्रोड्यूस हुई थी। अमृता राव। बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस अमृता राव अपनी अच्छी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। अपने बॉलीवुड करियर में इन्होंने कई अच्छी फिल्में की, जिसमें विवाह मैं हूं ना जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके बाद इनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हुए और बॉलीवुड में इन्हें रिप्लेस करने के लिए कई एक्ट्रेस आ गईं। अमृता राव का बॉलीवुड में लंबा सफ़र नहीं रहा। जब उन्हें लगा कि उनका करियर लंबा नहीं चलने वाला है, तो इसके बाद वो बॉलीवुड में एक्टिंग करियर को छोड़कर शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने फिल्म नहीं की और आजकल वो कुछ टीवी शोज में गेस्ट अपीयरेंस में नज़र आती हैं। मल्लिका शेरावत। अपने बोल्ड अंदाज से पूरे बॉलीवुड को बदलने का काम करने वाली मल्लिका शेरावत आजकल एक्ट्रेस से बिजनेस वुमेन बन गई हैं। मर्डर जैसी फिल्म में बोल्ड रोल करने वाली एक्ट्रेस आजकल लंदन में अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया है। लंदन में मल्लिका ने अपना एक रेस्टोरेंट खोला है और बॉलीवुड में एक्टिंग छोड़ वहीं अपना रेस्टोरेंट संभाल रही हैं। ग्रेसी सिंह। लगान, मुन्ना भाई, MBBS जैसी फिल्मों से लोगों का दिल जीतने वाली ग्रेसी सिंह को भी फैंस काफ़ी मिस कर रहे हैं। उनकी फिल्मों का सिलेक्शन जितना अच्छा था, उतना ही अच्छी उनकी एक्टिंग भी थी। लेकिन बॉलीवुड में ग्लैमर और एक्सपोज की आंधी कुछ ऐसी आएगी जिसमें ग्रेसी का टैलेंट कहीं दब कर रह गया। इसी वजह से ग्रेसी सिंह जैसी कई और एक्ट्रेसेस का करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। कुछ छोटे बजट की फिल्मों को करने के बाद इन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया और आजकल वो थिएटर में परफॉर्म कर रही हैं। प्रीति जिंटा। विरजारा, कल हो ना हो, कोई मिल गया और ना जाने कई ऐसी सुपरहिट फिल्मों को करने के बाद अपनी बेहतरीन अदायगी से दर्शकों का दिल जीतने के बावजूद आज वो बॉलीवुड से दूर हैं। उनकी आखिरी फिल्म भैया जी सुपरहिट पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद प्रीति को सिर्फ IPL मैच में देखा जाता है। प्रीति की बॉलीवुड करियर छोड़ने की वजह ये रही है कि झूम बराबर झूम और जाने मन जैसी फिल्मों के फ्लॉप हो जाने के बाद प्रोड्यूसर को इन पर से भरोसा कम हो गया था। इसी के साथ प्रीति की शादी भी हो गई थी, इसलिए इन्होंने बहुत अधिक कोशिश भी नहीं की। आजकल वो अपने बिजनेस को संभाल रही हैं और IPL के मैचेस में अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं। जारा वसीम। जारा वसीम ने अपना करियर शुरू करते ही कुछ फिल्मों के बाद एक्टिंग का करियर छोड़ दिया। इन्होंने अपने जीवन में 3 फिल्में की, जो थी दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार और द स्काई इज पिंक, और इसके बाद इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। एक्टिंग करियर को छोड़ने के पीछे इन्होंने कुछ रीजन दिए हैं और एक्टिंग करियर को छोड़ने का फैसला क्यों लिया इस बात का कोई खास वजह सामने नहीं आई है, लेकिन अपनी मर्जी से इन्होंने धार्मिक रास्ते को अपनाया है। गोविंदा। 90 का दशक एक ऐसा वक्त था जब सिल्वर स्क्रीन पर सुपरस्टार गोविंदा बस एक साल के अंदर 70 फिल्मों में काम किए थे, लेकिन आज उसी सुपरस्टार का नामो निशान मिट गया है। गोविंदा ने इल्ज़ाम फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री ली थी, जो काफ़ी हिट रही और दर्शकों को अपना एक नया सुपरस्टार मिल गया था। क्योंकि गोविंदा ने बॉलीवुड में रोमांस ड्रामा के अलावा दर्शकों को कॉमेडी का स्वाद भी करवाया था, जहां उन्होंने हीरो नंबर 1 जैसे एक से एक ब्लॉकबस्टर हिट दिए और अचानक ही गोविंदा को हीरो नंबर 1 से नेता नंबर 1 बनने का शौक चढ़ गया, जिस शौक ने पूरी तरह से उनका करियर बर्बाद कर दिया। 2004 में गोविंदा को जनता ने इलेक्शन तो जितवा दिया, लेकिन वो खुद की ही एजेंडा को हकीकत नहीं बना पाए, इसलिए 2008 में जब उन्होंने बॉलीवुड में वापसी की, तब लोगों ने उनको कुछ खास पसंद नहीं किया और इस तरह उनकी बॉलीवुड करियर का अंत होता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, ऐसे कई और भी सितारे हैं जिन्होंने फिल्म ना मिलने या किसी और फील्ड में ज़्यादा अच्छा करने की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ दिया और अपना कुछ नया बिजनेस या फिर नए क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।